ये देखे ना, यहाँ से लामा साहब की टोपी चोरी हुई है। अब उन्होंने वो बैग ही डाल दिया, उसका कील पहले लगा हुआ था, अब कील भी निकाल दिया। यहाँ से और चीजें भी गायब है, यहाँ से कालीन गायब है, ये कालीन रिप्लेस हुआ हुआ है। यहाँ से भी चीजें गायब है, ये मेरी दादी के बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, ये इधर से गायब है, उसकी जगह पे फोटो कॉपी रखी हुई। ये तो पासपोर्ट भी ले गए थे, ये वापस मंगवाया। ये नीचे उसकी फोटो कॉपी इसलिए रखी हुई है कि ये असल गायब था, ये उधर से वापस आई हुई है। ये वाला कालीन ये किधर है, ये किधर है, ये बताएं, ये मैं पूछा जब है नहीं तो उसको चार्ज डबल डबल सर हमारे बैंक में दे रहे हैं ना। कभी कितने गया कालीन, कितने गई किताब ही गायब करती है। किताब तो नहीं, इधर से भी एक आश्रय आया था, लाजवर्द की आश्रय उसने की थी नादर शाह अफगान ने, वो यहाँ से गायब है। नीले पत्थर लाजवर्द की आश्रय थी मुझे याद है। एक अंगूठी भी गायब है, सोने की अंगूठियां, एक अंगूठी ऐसे दम यहाँ पे, दूसरी अंगूठी भी सोने की गायब है। ऐ दे पर्चा होना चाहिए यार। अच्छा, लिखा अंगूठियां, रिंग बड़ी अंगूठी और अंगूठी है, ये गायब है। ये एक और अंगूठी थी, उसपे सबज पत्थर लगा हुआ था, ये सबज पत्थर वाली नहीं है, ये मुझे याद है। ये सारी चीजें मैं तो इनको पहनता रहा हूँ बचपन में, इनको देने से पहले इनको देनी नहीं चाहिए थी। ये जो सुनने में बात आ रही बहुत गलत है। ऑब्वियसली वो एक नेशनल हीरो है, हर कंट्री में जो नेशनल हीरोज होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से, चाहे वो केमिस्ट्री हो या शायरी का हो, किसी भी लिटरेसी का हो या किसी, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि उनकी चीज़ों को याद रखा जाए, वो नेशन उनकी चीज़ों को याद रखे कि हाँ ये था उसकी, वो उसकी यादें, उनको प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है। और ये आवाम को भी ये शऊर होना चाहिए कि वी हैव टू रिस्पेक्ट, ठीक है। ये मुझे एक बात बताएगा कि जब 14 अगस्त आती है, जब पूरे पाकिस्तान के अंदर नेशनल डे, इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, वो खूब झंडे लेकर लोग बाहर निकलते हैं, झंडों के डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं, इकबाल डे का एक डे पर छुट्टी भी होती है। क्या हम अपने नेशनल हीरोज जिनके बारे में हमें इतनी तारीफें पढ़ाई जाती है तारीख की किताबों में, उनके रिस्पेक्ट करते हैं? कम अगेन क्वेश्चन समझ। हम अपने नेशनल हीरोज की रिस्पेक्ट करते हैं? बिल्कुल 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 करते हैं, बिल्कुल। हम सभी करके हम उनके उनके बारे में पढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की तो शायरी इतनी ज़्यादा अच्छी है, उनको तो मशरिक का नाम भी दिया जाता है, उनका लकाब भी ऑब्वियसली, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं अल्लामा इकबाल की। और उनको हिस्ट्री में भी ये बताया जाता है कि उनका एक नाम है पाकिस्तान हासिल करने में, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये कि जो हरकत हुई है चीज़ें चोरी करना, ये आउट ऑफ द सेंस है। हम कैसे करते हैं रिस्पेक्ट? वो कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के मज़ारों के बाहर जाके ऐसे बाजे बजाते हैं ना, जब भी कोई हिस्टोरिक डे आता है इतना शोर शराबा करते हैं, ये रिस्पेक्ट है? मेरे ख्याल में किसी की पुतले की पेंट उतार देते हैं, कभी किसी की टोपियाँ चुरा लेते हैं, कभी कुछ चुरा लेते हैं, अगर हम इसको रिस्पेक्ट कहते हैं तो मैं क्या ही कहूँ। मेरे ख्याल में ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि ये आवाम को एक शऊर दे कि ये काम नहीं करना चाहिए जो आप ये हरकत कर रहे हो। कैसे शऊर दे? हुकूमत कैसे एक एक के घर में जाकर एक एक बंदे के कान में कहे? आप मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, हमारे आज़ाद मीडिया यहाँ पे जितने भी मीडिया हैं, ऑब्वियसली नॉट आज़ाद इन पाकिस्तान, आई एम सॉरी ऑब्वियसली, लेकिन मीडिया की डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो फ्री ऑफ स्पीच से बना था ना कि मीडिया बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट अपने लिए, अगर कोई गलत कर रहा है, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको हाईलाइट करना, ये असल में मीडिया का ही काम है। जब मीडिया इस चीज़ को हाईलाइट करेगा तभी वो बात स्टेट पे पहुंचेगी, फिर मरियम नवाज़ या वजीरम जो वो एक्शन लेगा या कोई बात बोलेगा। देखो अभी जो बात आप कर रही हैं मुझे खुद नहीं पता था, तो ये बात कौन करेगा? जो स्टेट एक मीडिया है जिसका कोई नाम है पूरे कंट्री में, जब वो ये बात हाईलाइट करेगा सबको पता चलेगा, फिर सारे लोग कहेंगे हाँ ये गलत हुआ है, जब सारे कहेंगे ये गलत हुआ है, फिर जो जिन लोगों ने चोरी की है ये हरकत की है, फिर उनको ये शऊर हो गया हाँ दिस इज़ रॉन्ग, जो हमने किया वो गलत है। क्योंकि जो लोग चुराते हैं उनको यही नहीं पता कि हमने किया क्या है, शायद उनको यही नहीं पता कि अल्लामा इकबाल है कौन। एजुकेशन हालात भी तो देखे ना हमारे पाकिस्तान के है क्या, उनको नहीं पता कि अल्लामा, लेकिन वो अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी जरूर कहेंगे। नहीं, मुझे प्राउड पाकिस्तानी से डिफरेंट थिंग, हिस्ट्री नोइंग द हिस्ट्री से डिफरेंट थिंग। अगर आप एक बंदे की वैल्यू को नहीं समझेंगे कि ये जो बंदा जिसका केप में चुरा रहा हूँ ये असल में है कौन, इसकी वैल्यू क्या है और इसकी हमारे पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन क्या, और अगर मैं ये हरकत करूँगी तो इसका क्या मैसेज जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर? उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक कहा कि हम लोगों के लिए कंट्री फर्स्ट नहीं रिलीजन फर्स्ट है, हम लोगों ने ये कहा ना, हम लोग कभी रिलीजन पर चले ना, हम लोगों ने शरीयत नाफिज की, हम लोगों ने कंट्री को, हमने अपनी मिट्टी से प्यार किया ही नहीं, कभी नेशन फर्स्ट हमारे लिए हुआ ही नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।